Okay, good morning, student. We are discussing about the mole concept. In my last two video, I have already explained that how to or what is mole, how to calculate the number of molecules, and how to calculate the mass of the atom or molecule you are given. Now, in that, with the continue, we will discuss one more type of problem on that concept only. That is, calculate the number of moles. Number of moles कैसे calculate करते हैं, हम उस concept से ही discussion करेंगे. क्या था मेरा tagline? जो मेरा पहला तुमको concept था, एक ही line पे सारा problem solve हो रहा था. क्या था वो line? याद करो. The line was, one mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23, which is equal to molecular mass और एटॉमिक मास. अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास होगा, और अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, और इसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं. सो दिस वाज द बेसिक लाइन. ऑन दिस लाइन आई हैव सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लास्ट वीडियो. नाउ लेट्स गो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑन दिस बेसिस ओनली. ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. पहला क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? 6.023 into 10 to the power 30 molecule of KNO3. 6.023 into 10 to the power 30 molecule of KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट. इतना मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट दिया है, वो कितना मोल है, ये मेरा क्वेश्चन है. सो दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड यू आर आस्किंग द मोल. इसका मतलब क्या है? कौन सा दो फैक्टर यहां पर है? मोल एंड मॉलिक्यूल, सिर्फ इसको यूज करना है. तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है. समझ में आ गया बच्चों कि कब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है? क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मोल्स एंड गिवन मॉलिक्यूल. सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट हियर मॉलिक्यूलर मास. सो व्हाट विल बी माय आंसर हियर और हाउ टू कैलकुलेट इट? दिस एनए मॉलिक्यूल कोरस्पोंडिंग टू वन मोल, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोरस्पोंडिंग टू डेक्स मोल. Very easy. That answer will start. First number answer, 6.023 into 10 to the power 23 molecule of KNO3 corresponds to or equivalent to 1 mole. ये मुझे पता है, लेकिन मुझे कितने molecule का पूछा है उसने? 6.023 into 10 to the power 30 molecule का पूछा है. 1 molecule का कितना आएगा? 1 by 6.023 to 10 to the power 23. क्वेश्चन में लेकिन वन मॉलिक्यूल का नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 10 टू द पावर 30 मॉलिक्यूल का. सो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम खुद सॉल्व कर सकते हो. बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं जो भी नए बच्चे आए होंगे उनके लिए, लेकिन ये तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो. इंटू 10 टू द पावर 30, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी 30 एंड 23 है 30. सो योर आंसर 10 टू द 7 मोल. वेरी इजी क्वेश्चन. Are you getting all this? Okay, so इतना मॉलिक्यूल का KNO3 अगर है, so that is nothing but 10 to the power 7 mole है. Very clear? Clear? First one is solved. Okay, next go to the second one. 16 gram of oxygen gas. 16 gram of oxygen दिया है. सब लोग लिख लेना, क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर को भी लिख लेना स्क्रीनशॉट ले लेकर. Okay? और ऑनलाइन प्रैक्टिस, ऑनलाइन पढ़ना सीख जाओ. जितना जल्दी तुम्हें सीख जाओगे उतना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोविड-19 के वजह से कब कॉलेज खुलेगा इसका कोई सर्टेंटी नहीं है. और हमारा जो आज के डेट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइजरी आ रहा है, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया था कि एक क्लास का एक चैनल आएगा. इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वही भी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं. तो इसीलिए तुम इसको एक अपॉर्चुनिटी के साथ लेकर, जैसे कि तुम लेट कर भी पढ़ सकते हो, बैठ कर भी पढ़ सकते हो, क्लास जाने की जरूरत नहीं है, खुद के फ्री टाइम में तुम इसको पढ़ सकते हो. सो टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी. तो और यहाँ पे टीचर को बोलने की भी जरूरत नहीं है कि सर दोबारा पढ़ाओ, बस रिव्यू कर दो फिर और एक बार देख लो. सो ये इसको एक तुम अपॉर्चुनिटी की तरह लो, और उसका एडवांटेज तुम बहुत सारा ले सकते हो. ओके, और जो अगर कुछ डाउट भी आ रहा है तो तुम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने के लिए. ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड प्रॉब्लम नाउ.
16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जब आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है, उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से दो 16 ग्राम दिया है, मतलब मास दिया है, मास का रिलेशन पूछ रहा है किसके साथ, मॉलिक्यूल के साथ। तो अभी यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, सॉरी 16 नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मतलब मास दिया है और मोल पूछा है, तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। क्यों मैंने इसको मॉलिक्यूलर मास बोला, यहां पर तो एटम या फिर मॉलिक्यूल कुछ नहीं लिखा है, ऑक्सीजन गैस है मतलब O2, इट इज नेवर सिंगल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ए डाई एटोमिक गैस, तो O2 है मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट आ गया तो एक मॉलिक्यूल हो गया। तो यहां पर हमें ऑक्सीजन का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा है मास और मोल की रिलेशनशिप पे पूछा है, तो ना कैसे पता चलेगा, मास दिया है यूनिट से, ग्राम से, मान लो कि केजी पे होता तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, केजी दिया हो या फिर ग्राम दिया हो तो दैट इज अ यूनिट ऑफ मास। तो यहां पर जो रिलेशन पूछा है मास और मोल के बेसिस पे पूछा है, तो मॉलिक्यूलर मास जितना भी है दैट इज 1 मोल, सो इतने ग्राम का कितना मोल आएगा, सो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना आएगा ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन इज 16, 2 ऑक्सीजन, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, 32 ग्राम O2 करस्पॉन्डिंग टू 1 मोल, सो 1 ग्राम O2 करस्पॉन्डिंग टू 1/32 मोल, लेकिन उसमें कितने ग्राम का पूछा है, 16 ग्राम का, सो इट इज 16 ग्राम O2 इज इक्वल टू 1/32 इंटू 16, मतलब ये 16 2 32, 1/2 मतलब 0.5 मोल हो गया आंसर, क्लियर। इसको तुम उस टाइप पे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हमें पता था इसका और एक अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवेन बाय मॉलिक्यूलर मास, ये भी तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं इस मेथड में नहीं कर रहा हूं, ताकि तुम सारे नंबर को इस ट्रेडिशनल टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो, दोनों दो को कंपेयर करके, लेकिन तुम इसको भी अप्लाई करके कर सकते हो, वेट गिवन कितना दिया है 16, मॉलिक्यूलर मास कितना आया 32, सेम आंसर आएगा, तुम्हें जो भी सही लगे तुम उस मेथड से अप्लाई करो, लेकिन मेरे ख्याल से ये मेथड अप्लाई करने से गलती होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, ये रट के आते हैं और मॉलिक्यूलर मास में वेट गिवन कर देंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसीलिए इस ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करना, ताकि गलती करने की गुंजाइश बहुत कम रहे, देयर इज ए वेरी लेस चांसेस हैव अ मिस्टेक विद दिस मेथड। और यहां पर क्या हो सकता है, तुम रटे हुए होगे तो कभी कभी फॉर्मूला गलत भी हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड है, ओके। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 12.046 मॉलिक्यूल ऑफ मिथानॉल, 12.046 मॉलिक्यूल ऑफ मिथानॉल, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पर भी मॉलिक्यूल से मोल पूछा था और यहां पर भी मॉलिक्यूल से मोल पूछ रहा है, सो लेट्स डू इट। मॉलिक्यूल से मोल पूछ रहा है मतलब मॉलिक्यूलर मास नहीं चाहिए थर्ड नंबर में मुझे, यहां से ये वाला पूछ रहा है, तो अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं चाहिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मिथानॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है, ओके। लेकिन यहां पर मॉलिक्यूलर मास का जरूरत भी नहीं है, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से इसके इतने मोल 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ मिथानॉल कोरस्पॉन्डिंग टू 1 मोल, सो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा 1/6.023 × 10²³ मोल, लेकिन इसमें कितने मॉलिक्यूल का पूछा है, 12.046 मॉलिक्यूल का पूछा है, सो 12.046 मॉलिक्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू 1/6.023 × 10²³ × 12.046, ओके इतना मोल आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, I hope this will cancel out by 2, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 4, 2, 0, 12. Yes, 2. So your answer is 2 × 10²³ नीचे था प्लस था ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना मोल हो गया मेरा आंसर, क्लियर। सो द आंसर इज 2 × 10²− 23 मोल, क्लियर हो गया थर्ड नंबर, इज इट क्लियर टू ऑल, ओके इसको लिख लेना, चलो नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। 34 ग्राम ऑफ एमोनिया दिया है क्वेश्चन में,
34 ग्राम ऑफ एमोनिया दिया है, मतलब क्वेश्चन किसके बेसिस पे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा मास और मोल के बेसिस पे, क्योंकि 34 ग्राम ऑफ एमोनिया करस्पॉन्डिंग टू डेक्स नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो यहां पर मुझे मास चाहिए। तो मास पता करने के लिए एमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। सो पहले क्या करते हैं, NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 इज, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन 3 है, सो इट इज 17 ग्राम। सो मतलब मॉलिक्यूलर मास हो गया 17 ग्राम। सो 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। क्लियर, 1 ग्राम का कितना होगा, 34 ग्राम का कितना होगा, वेरी इजी। 17 ग्राम ऑफ एमोनिया समझ में आ रहा है इज इक्वल टू, 17 ग्राम ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम एमोनिया इज इक्वल टू 1/17 मोल। क्लियर, कितना ग्राम का पूछा है उसने, 34 ग्राम का। सो 34 ग्राम ऑफ एमोनिया इट विल बी इज इक्वल टू 1/17 इंटू 34, 17 टू जा 34, सो योर आंसर इज 2 मोल। तुम इसको उस तरह से भी कर सकते हो, वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट गिवन कितना है इसमें, वेट गिवन दिया है 34, मॉलिक्यूलर मास कितना है 17 है, तो ये वाला आंसर 2 मोल भी हो गया। चाहे तुम इस मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, दोनों आंसर सेम आएगा। मैं इस मेथड को इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं ताकि तुम्हें फॉर्मूला घुसने की और रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला अगर तुम याद रखे हो तो ये तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है जो इस मेथड से सारे नंबर सॉल्व हो जाएगा। फिर सिर्फ तुम्हें दो क्वांटिटी को यहाँ पर याद रखना है, कौन से दो क्वांटिटी को तुम कंपेयर कर रहे हो। क्लियर, चलो नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो मैंने यहां पर भी ऑक्सीजन दिया था और यहां पर भी ऑक्सीजन दिया था ताकि तुम्हें कंपेरिजन मिले। जब ऑक्सीजन गैस कहेगा तो O2 को समझना, और यहां पर ऑक्सीजन एटम दिया है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन। मेंशन क्या है, एटम, मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है। सो सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में अगर पूछ रहा है तो ये एटम दिया है। सो यहां पर तुम्हें क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास तुम्हें निकालोगे, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वो ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। ठीक है, सो 16 एटॉमिक मास अभी तुमने लिया, एटॉमिक मास को मोल के साथ कंपेयर करना है क्योंकि कैलकुलेटर नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। सो 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, सो योर आंसर विल बी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ऑक्सीजन एटॉम इज इक्वल टू 1/16 मोल, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इज इक्वल टू 1/16 इंटू 64, मतलब 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटॉम। ध्यान रखना ये ऑक्सीजन एटम है, इसको तुम उस तरह से भी कर सकते हो। वेट गिवन बाय एटॉमिक मास, वेट गिवन कितना है 64, एटॉमिक मास कितना है 16, सो ये इस मेथड से भी आंसर 4 मोल आएगा। तुम्हें जो भी मेथड कंफर्टेबल लगे तुम उस मेथड को फॉलो अप कर सकते हो। क्लियर, तो मेरे ख्याल से ये जो तीनों पैरामीटर था, इन तीनों को लेकर कंपेयर करके मैंने 3 अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम डिस्कशन किया जिसमें डिफरेंट सब नंबर भी था। तो इतने नंबर करने के बाद ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अभी किसी को डाउट में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये डिफिकल्ट चैप्टर, डिफिकल्ट तो नहीं है, बच्चे थोड़े से समझने में टाइम लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार तुम देख लो और तुम खुद से ऐसा नंबर फ्रेम करो, जब तुम खुद इतना 5 नंबर लिखोगे और उसका सोल्यूशन खुद निकालोगे तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होगा। ठीक है, अभी मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कशन किया है, एक मोल के बारे में, एक मॉलिक्यूल के बारे में और एक मॉलिक्यूलर मास के बारे में। यहां पे और एक चीज हम ऐड करेंगे जो कि वॉल्यूम होगा। क्लियर, मतलब मास हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, मोल हो गया। अभी मैं यहां पे और एक चीज ऐड करूंगा गैस के वॉल्यूम के बेसिस पे। जो भी गैस होते हैं वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो कितने और एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और इस वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे मोल कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम आता है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से इतने तक सब लोग क्लियर हो गए हो, 1 मोल, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। इसमें सिर्फ और एक ऐड करना है, वो है गैस का वॉल्यूम, गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एक स्टैंडर्ड रूल है
जो कि एक्सपेरिमेंटली हमें मिला है उस रूल का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, एनी गैस ऑफ वन मोल, ध्यान रखना एनी गैस ऑफ वन मोल, एनी गैस ऑफ वन मोल ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम, ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, ध्यान रखना, और इसको मैं एमएल में अगर लिख दू 22400, क्योंकि एक लीटर का 1000 एमएल होता है तो इसका 22400 एमएल भी हो सकता है। सो एनी गैस ऑफ वन मोल, तुम कोई भी गैस ले लो, अगर तुम वन मोल ले रहे हो, इट विल ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, और ये एक्सपेरिमेंटली मिला है कौन से कंडीशन में, एट एसटीपी कंडीशन, ध्यान रखना एसटीपी कंडीशन क्या है, एसटीपी कंडीशन का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है अगर वो एक मोल है, तो एक मोल ऑफ एनी गैस तुम ले लो, एनी गैस में बोल रहा हूं मतलब ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, एमोनिया ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई भी गैस, जितना भी गैस दुनिया में अवेलेबल है, सारे गैस अगर तुम वन मोल ले रहे हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, कौन से कंडीशन पे, एसटीपी कंडीशन पे। तो यहां पे ध्यान रखना एसटीपी कंडीशन का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन है, कैसे स्पेसिफिक है, जैसे कि टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और 273 केल्विन होना चाहिए और 32 फारेनहाइट तुम लिख सकते हो, 32 फारेनहाइट ले सकते हो, या फिर तुम एसटीपी कंडीशन का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखने से एसटीपी समझना होगा, या फिर 273 केल्विन लिखा है या फिर 32 फारेनहाइट लिखा है, फारेनहाइट एफ मतलब फारेनहाइट, इस कंडीशन सेम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन ही होता है, ये तीनों सेम ही है, चाहे ये लिख दे या फिर ये लिख दे या फिर ये लिख दे, टेम्परेचर का कंडीशन यही है। और प्रेशर का कंडीशन कितना है, प्रेशर का कंडीशन 1 एटमोस्फेरिक लिखा होगा और 760 mm ऑफ एजी, मिलीमीटर ऑफ एजी मर्क्यूरी हाइट, ये प्रेशर का अलग अलग कंडीशन, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब इतना mm ऑफ एजी होता है, या फिर 101325 पास्कल को भी 1 एटमोस्फेरिक बोलते हैं। तो इस स्पेसिफिक कंडीशन में और इस स्पेसिफिक कंडीशन को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन कहते हैं, और इस कंडीशन में कोई भी वन मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। और ध्यान रखना एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हें एसटीपी कंडीशन ही दिया होगा, आइदर इन द लैंग्वेज इट में बी रिटन एसटीपी कंडीशन, या फिर टेम्परेचर 0 डिग्री और 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक और इतना एमएमजी दिया होगा। तो जब भी तुम्हें एसटीपी कंडीशन दिया है या फिर ये टेम्परेचर प्रेशर वैल्यू दिया है, तो समझ लेना कि उस कंडीशन में वन मोल ऑफ एनी गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, कोई भी गैस तुम ले लो। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने मोल डिस्कशन किया था, मॉलिक्यूल डिस्कशन किया था, मास डिस्कशन किया था, अब क्या आ गया, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर जब हम वन मोल ले लेंगे, समझ में आ गया। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने नेक्स्ट टैगलाइन में लिखूंगा, इसको लिख लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मोल कॉन्सेप्ट में इस कंडीशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई दूसरा और कंडीशन नहीं देगा, मतलब टेम्परेचर को कोई दूसरा 10 डिग्री 20 डिग्री नहीं लिखेगा, प्रेशर को 2 एटमोस्फेरिक 5 एटमोस्फेरिक नहीं लिखेगा, ये सिर्फ एसटीपी कंडीशन में ही क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को याद रख लेना, और इस कंडीशन में वन मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, मैं बता रहा हूं कोई भी गैस, एनी गैस आई हैव रिटेन, एनी गैस मतलब कोई भी गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम या फिर 22400 ml 22400 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो मेरा जो टैगलाइन जो तीन में था और एक उसमें जुड़ गया, वो आ गया वॉल्यूम के बारे में, क्या हो गया मेरा टैगलाइन, अभी तुम लिख लेना इसको। सो मेरा जो टैगलाइन होगा और जिसके ऊपर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जो तीन जो था मेरे पास, क्या क्या था, वन मोल था,
मतलब 6.023 × 10³ मॉलिक्यूल हो गया आ गया, या फिर तुम्हारा एटम भी हो सकता है, फिर इस पे मास था, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है या फिर एटॉमिक मास हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या ऐड हो गया, जब कोई गैस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम यहाँ पे ऐड होता है, और वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम। तो इसका टैगलाइन कैसे समझना है, वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, और इसको ml में तुम खुद कन्वर्ट कर सकते हो, 224 सिर्फ 1000 मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके बेसिस पे अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि वन मोल ऑफ एनी गैस दैट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो मेरा टैगलाइन अभी सिर्फ वॉल्यूम ऐड हो गया। तो ये तीनों को रिलेशनशिप पे हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो अभी हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इन सभी प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। क्लियर? जैसे कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसके बेसिस पे, अभी और भी ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय 5 मोल ऑफ एमोनिया गैस, 5 मोल एमोनिया गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। क्वेश्चन में देखो दो क्वांटिटी अभी कंपेयर करना है, किस किस को क्वांटिटी कंपेयर करना है, मोल दिया है वॉल्यूम पूछा है, मतलब मोल को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। और एट एसटीपी ये लिखा होगा, एट एसटीपी, नहीं तो क्वेश्चन सही नहीं है। ओके, एसटीपी लिखा होगा या फिर टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन दिया होगा। तो यहां पर किसको किसके साथ कंपेयर करना है, मोल को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है। क्लियर? सो इसमें ना तो उसने ml में मेंशन किया है ना फिर लीटर में मेंशन किया है, तो तुम आंसर लीटर में भी निकाल सकते हो या फिर ml में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एसटीपी कंडीशन में एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। सो आई कैन से वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ऊपर लिख देना एट एसटीपी, क्योंकि प्रॉब्लम एसटीपी में ही सॉल्व हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू 22.4 लीटर, लेकिन कितने मोल का क्वेश्चन में पूछा है, एक मोल का 22.4 लीटर है क्वेश्चन में पूछा है, 5 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। सो 5 मोल ऑफ एमोनिया विल बी 22.4 × 5, मतलब 5 × 4 = 20, 2 in hand, 5 × 2 = 10, +2 = 12, एंड 1 in hand, 5 × 2 = 10, +1 = 112.0 कितना लीटर। अगर क्वेश्चन में मेंशन करता कैलकुलेट द वॉल्यूम इन ml, तो सिर्फ इसको ml में कन्वर्ट कर देना, मतलब 112000 हो जाता, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आंसर तुम लीटर में भी सॉल्व कर सकते हो। सो इन योर लास्ट प्रॉब्लम वी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, एंड ध्यान रखना अगर वॉल्यूम लीटर में पूछा है तो आंसर लीटर में लिखना है, और अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में पूछा है सो उसमें सिर्फ 1000 मल्टीप्लाई करके 22400 लेकर तुम्हें आंसर निकालना होगा। क्लियर? सो अभी तक वॉल्यूम के बारे में हमने जो डिस्कशन किया है वो क्या डिस्कशन किया है, वन मोल ऑफ एनी गैस दैट विल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। ध्यान रखना एसटीपी कंडीशन मेंशन होगा, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहां पर टेम्परेचर 0 °C है और प्रेशर 1 atmospheric प्रेशर है। मैंने पहले भी एसटीपी का कंडीशन डिफाइन किया था। तो एसटीपी पे किसी भी गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 22,400 ml, एनीथिंग यू कैन राइट 22,400 ml, मैंने सिर्फ इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई किया है, इतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। तो फाइनली जो मैं एट द एंड क्या कह सकता हूँ, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, नंबर एंड मोल, यही मेरा फाइनल कॉन्सेप्ट है मोल के ऊपर। वन मोल ऑफ एनी गैस दैट मीन्स, और वन मोल ऑफ एनीथिंग दैट मीन्स नंबर इज 6.023 × 10²³, एनीथिंग मीन्स इट मे बी ए मॉलिक्यूल और इट मे बी ए एटम, एंड इसका मास होगा जो, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे और एटम है तो एटॉमिक मास बोलेंगे, और उस अगर वो एक गैस है तो गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है? सो इस नाउ ऑन दिस बेसिस वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम, और एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम
जस्ट कंपेयरिंग टू टू क्वांटिटी हियर, आइदर नंबर मास और नंबर वॉल्यूम और नंबर मोल, उसके बेसिस पे हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो उस हिसाब से यहां पर भी हम प्रॉब्लम किसी भी दो पैरामीटर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैंने यहां पर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं वॉल्यूम के बेसिस पे ही कुछ प्रॉब्लम अभी सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम। यहां पर क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम, द क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर। यहां पर क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया है, तो मैं आंसर जो है वो लीटर में निकालना होगा। सो यू विल टेक 22.4 लीटर फॉर द वॉल्यूम, गॉट इट। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर 0.5 मोल ऑफ मीथेन गैस, 2 मोल ऑफ N2 गैस, 64 ग्राम ऑफ O2 गैस, 6.023 × 10²² मॉलिक्यूल ऑफ SO2 गैस, 51 ग्राम ऑफ एमोनिया गैस। ये अलग अलग क्वेश्चन दिया है, डिफरेंट क्वेश्चन आर गिवेन, वी विल सॉल्व वन बाय वन। ओके, लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, 0.5 मोल ऑफ मीथेन गैस। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, 0.5 मोल ऑफ मीथेन गैस। सो हियर द सब्सटेंस गिवन इज मीथेन एंड व्हिच इज अ गैस, एंड हियर यू आर गिवन 0.5 मोल, मींस यू आर गिवन दिस क्वांटिटी एंड यू आर आस्क्ड द वॉल्यूम। सो यू हैव टू कंपेयर मोल विद वॉल्यूम। ध्यान रखना, एनी गैस यू कैन टेक हियर, इट मे बी मीथेन, इट मे बी SO2, सो डोंट गो टू द नेचर ऑफ गैस एक्चुअली, और व्हाट द गैस इज नॉट मैटर, डजंट मैटर हियर पर्टिकुलरली। एनी गैस दैट विल ऑक्युपाई दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फॉर वन मोल। सो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो वन मोल ऑफ मीथेन गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। नाउ 0.5 मोल ऑफ मीथेन गैस, व्हाट विल बी द आंसर? वेरी इजी, फॉर वन मोल इट इज 22.4 लीटर, फॉर 0.5 मोल आई कैन राइट, यू कैन राइट द आंसर, वन मोल ऑफ मीथेन फॉर्मूला CH4, फॉर्मूला वाइज मैं लिख रहा हूं, तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एंड दैट विल ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, एंड यू आर आस्क्ड फॉर 0.5 मोल। सो 0.5 मोल ऑफ CH4 विल ऑक्युपाई 22.4 इंटू 0.5 दिस लीटर, गॉट इट। इफ द क्वेश्चन हैज आस्क्ड, लेट्स सी, और लेट्स क्वेश्चन इज आस्किंग इन ml, सो इन दैट केस यू विल टेक 22,400 ml ओनली, गॉट द डिफरेंस, क्लियर। सो हियर द आंसर विल बी 22.4 इंटू 0.5 मीन्स इट विल बी अराउंड 11.2 लीटर। सो दिस इज माई आंसर, वेरी इजी। सो अर्लियर वी हैव सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो इट इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट टू यू, क्लियर। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? Very easy question, everybody could solve this if you have went through my last two videos, clear. Next, second question, 2 mole of N2 gas, very easy, 1 mole of, again mole to liter or mole to volume, 2 mole of N2 gas it is asking, means for 1 mole volume will be, let me be N2 also, it may be methane, it may be N2, no issue, I have told already, any gas I have told you, this may be any gas, aisa nahi ki methane ke liye koi alag volume hoga, nitrogen ke kuch alag hoga, nahi, any gas that will occupy this liter volume, so yahan par 2 mole of N2 gas diya hai, so answer kya hoga, very easy, 1 mole of N2 will occupy 22.4 liter, 2 mole of N2 will occupy 22.4 into, main directly likh raha hu yahan pe, ye iska writing skill hai, राइटिंग स्किल का, जब दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से राइटिंग स्किल्स और इस तरह से लैंग्वेज में लिखकर करना होता है, और अगर तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है तो सिर्फ तुम रॉक में सॉल्व करना और डायरेक्टली आंसर लिख लेना। सो एक मोल ऑफ N2 गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, दो मोल ऑफ N2 गैस का वॉल्यूम कितना आएगा, 2 4 8 2 2 4 2 2 4 दिस लीटर, गॉट माई क्वेश्चन, क्लियर, गॉट द आंसर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, नाउ as it is a online classes, so you have to be little bit faster, and if you are thinking that my solving little bit faster, you can pause the video and you watch again from the beginning, clear, you watch again from the beginning, ek baar video ko dekhkar note mat likhna, do teen baar video ko dekhna, रॉब में कुछ खुद नोट बनाना, उसके बाद तुम फाइनल नोट खुद लिख सकते हो, और ये जो नंबर है ये तुम खुद से भी नंबर फ्रेम कर सकते हो, यहाँ पर 2 मोल के जगह पर 5 मोल हो सकता है, 4 मोल हो सकता है, 10 मोल हो सकता है, 100 मोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट द प्रोसीजर इज लाइक दिस। नेक्स्ट, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस,
64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। इंपोर्टेंट है यहां पर ग्राम, ग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। तो यहां पर रिलेशन किसके बीच में होगा, मास एंड वॉल्यूम के बीच में, क्योंकि 64 ग्राम का वॉल्यूम पूछा है, तो मास और वॉल्यूम के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी कौन सा गैस का दिया है उसने, O2 गैस का दिया है। मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वही मॉलिक्यूलर मास 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, O2 का मॉलिक्यूलर मास है तुम्हारा, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, ऑक्सीजन का 16 है, O2 है मतलब 32। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना आ गया, क्यों मैंने यहां पर मॉलिक्यूलर मास निकाला, व्हाई आई हैव कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास हियर, आई हैव कैलकुलेट हियर मॉलिक्यूलर मास बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर द 64 ग्राम एंड ग्राम इज यूनिट ऑफ मास, दैट्स व्हाई आई कैलकुलेट हियर मास। सो जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो 1 मोल रिप्रेजेंट करता है और 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो उस हिसाब से क्या होगा, यहां पे 32.32 ग्राम ऑफ O2 ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम, यू कैन राइट ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम, बस इक्विवेलेंट सिंबल दे रहा हूं, कितना लीटर, 22.4 लीटर। एक ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ O2 जो होगा 22.4/32, लेकिन उसने कितना ग्राम पूछा है, 64 ग्राम का पूछा है। सो 64 ग्राम ऑफ O2 विल बी 22.4/32 इंटू 64, यू विल फाइंड दिस इज 2, सो योर आंसर विल बी अगेन 44.8 लीटर। दिस इज योर आंसर 44.8 लीटर। समझ में आ गया, यहां पहले क्वेश्चन को देखकर मुझे पता चल जाएगा कौन से दो पैरामीटर को कंपेयर करना है, यहां पर मास को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 32। सो 32 ग्राम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, 1 ग्राम कितना करेगा, 64 ग्राम कितना करेगा, दिस इज योर आंसर। इस सेम नंबर को एक अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं, लिख लेना इस प्रोसीजर, ये सबसे इजी वाला है जहां पर देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग एनी मिस्टेक। तुम इसको इस तरह से भी कर सकते हो, यू फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मतलब वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना दिया है उसने 64, कितने ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 32, सो इट इज 2 मोल। यस, इस तरीके से भी हम आंसर कर सकते हैं। सो 2 मोल ऑफ O2 का वॉल्यूम पूछा है क्वेश्चन में, 1 मोल का 22.4 होता है, 1 मोल ऑफ O2 वॉल्यूम इज 22.4 लीटर एंड 2 मोल का कितना होगा। जो भी तुम्हें इजी मेथड लगे तुम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तुम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके वॉल्यूम निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली मास को वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर सकते हो। इज इट क्लियर। मैंने जो सेकंड मेथड में क्या किया, पहले वेट को मोल में कन्वर्ट कर दिया, मोल और वॉल्यूम को कंपेयर किया, लेकिन फर्स्ट मेथड में मैंने किया था डायरेक्टली मास को वॉल्यूम के साथ कंपेयर किया था। समझ में आ रहा है, सो इट्स डिपेंड अपॉन हाउ यू आर गेटिंग। क्लियर। मैंने दोनों मेथड में सॉल्व कर दिया। फिर ये वाला देखो, 6.023 × 10^24 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, यहां पर मॉलिक्यूल ऑफ SO2 दिया है, मतलब मॉलिक्यूल और नंबर को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है, तो यहां पर मास का जरूरत भी नहीं है। तो इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है क्वेश्चन में पूछा है, ये कितने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ कौन सा SO2 इज इक्विवेलेंट टू कितना वॉल्यूम 22.4 लीटर। एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 विल हैव द वॉल्यूम 22.4/6.023 × 10^23 लीटर। समझ में आ रहा है, लेकिन कितना वॉल्यूम का पूछा है, 6.023 × 10^24 वॉल्यूम का पूछा है। सो 6.023 × 10^24 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, दिस इंटू 22.4/6.023 × 10^23 × 6.023 × 10^24। समझ में आ गया, ये कैंसल आउट हो गया, 23, 24 मतलब 10, सो योर आंसर विल बी 22.4 × 10 मीन्स 224 लीटर। समझ में आ गया, मॉलिक्यूल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने से। इसको और किस तरह सॉल्व कर सकते हो, तुम पहले मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर 1 मोल करस्पॉन्डिंग टू दिस, सो दैट मोल करस्पॉन्डिंग टू दैट, ये भी हो सकता है। इसको तुम उस तरह से भी कर सकते हो, दिस मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, ये वाला मेथड पहले समझ में आ गया। इसमें मोल में कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि मॉलिक्यूल को वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली कंपेयर करना तुम्हें आता है, लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं, पहले मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वन मोल का इतना वॉल्यूम है, उतने मोल को कितना वॉल्यूम आएगा, ये भी एक मेथड हो सकता है। जैसे कि 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वन मोल, एक मॉलिक्यूल का कितना मोल आएगा, इतने मॉलिक्यूल का कितना मोल आएगा, यू विल फाइंड दैट दिस मॉलिक्यूल विल बी 10 मोल। सो एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, 10 मोल का वॉल्यूम 22.4 × 10। कोई भी मेथड तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम उस मेथड से कर सकते हो। जैसे कि मैंने मास को मोल में कन्वर्ट करके भी वॉल्यूम निकाला, ठीक उसी तरह से यहां पर भी मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करने के बाद तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से दो मेथड करने के बजाय बस किसी दो को डायरेक्टली सॉल्व कर देना सबसे इजी रहेगा, और इसमें कुछ और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो जो क्वांटिटी तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है उस दोनों क्वांटिटी को कंपेयर कर दो, किसी तीसरे के हेल्प लेने के वजह से किसी दो को डायरेक्टली कंपेयर करना सबसे इजी रहेगा। क्लियर, लेकिन तुम्हारे ऊपर बेस्ट है। नेक्स्ट लास्ट नंबर जो है 51 ग्राम ऑफ एमोनिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो ये अभी तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, किसको किसके साथ कंपेयर करना है। ग्राम दिया है मतलब मास, कि क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। सो मास को हमें वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है, वेरी इजी। कौन सा गैस दिया है इसने, एमोनिया। सो एमोनिया का पहले जब भी मास तुम्हें जरूरत पड़ेगा तो पहले एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है, फॉर्मूला तो NH3 है, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 3 है, सो इट इज 17 ग्राम। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 17 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर, क्योंकि 17 ग्राम यहां पर मॉलिक्यूलर मास है। सो 17 ग्राम ऑफ एमोनिया corresponding to 22.4 लीटर। सो 1 ग्राम ऑफ एमोनिया दैट विल हैव ए वॉल्यूम 22.4/17, इतना लीटर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछा है, 51 ग्राम पूछा है। सो 51 ग्राम ऑफ एमोनिया इज करस्पॉन्डिंग टू 22.4/17 इंटू 51, देख लेना 17 × 3 = 51, सो योर आंसर विल बी 22.4 × 3। योर आंसर विल बी 22.4 × 3 मतलब 3 × 3 = 12, 1 इन हैंड, 3 × 2 = 6 and 7, 3 × 2 = 6 दिस लीटर। अगर क्वेश्चन एमएल में पूछता सिर्फ इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल। तुम इसको दूसरे मेथड में कैसे कर सकते हो, पहले 51 ग्राम को वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास करके मोल में कन्वर्ट कर देना, फिर 1 मोल का इतना वॉल्यूम है जो मोल तुम्हें मिलेगा उस मोल का कितना वॉल्यूम आएगा। जैसे कि यहाँ पर 17 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है और 51 ग्राम दिया है, मतलब 51/17 3 मोल। सो एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 × 3। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। सो ये डिपेंड करता है तुम किस तरह से कर रहे हो, या फिर तुम डायरेक्टली दो को कंपेयर करके करो, या फिर मोल में कन्वर्ट करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो, इट इज डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर। तुम इस टाइप का और भी अलग अलग नंबर खुद फ्रेम करके प्रैक्टिस करना। क्लियर, क्या के एंट्रेंस में क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा दे देगा। जैसे कि 51.3 इजीली सॉल्व हो रहा था, मैं भी 55 दे सकता है, 56 देता है, तो डेसिमल में भी आंसर तुम्हारा आ सकता है। लेकिन मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने जो भी नंबर दिया है उसमें कैलकुलेटर का कुछ भी जरूरत नहीं है। क्लियर, ये सब सीखने के लिए सिंपल नंबर में दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तुम कोई भी नंबर इसमें सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल। सब लोग इसको अच्छी तरह से देख लेना। ओके, सो मेरे ख्याल से इस टाइप का प्रॉब्लम में तुम्हें अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, लिख लो इसको अभी। ओके, अभी तक तुम लोगों ने जो मैंने डिस्कशन किया था प्रॉब्लम के बारे में लिख लिया सब लोग सब कुछ। नेक्स्ट कुछ दूसरे टाइप का नंबर सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। ओके, एंड ध्यान रखना ये लास्ट टाइप का नंबर होगा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ, एक्चुअली ये सब कुछ एसटीपी पे हो रहा है तो मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर एसटीपी, लेकिन एग्जाम में एसटीपी जरूर दिया होगा। ओके, जो भी वॉल्यूम का नंबर दिया होगा वो एसटीपी में ही पूछेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में ही क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर, ध्यान रखना है एसटीपी पे दिया होगा। ओके, सो ये वाला नंबर क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ किसका, 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस का। मतलब किसको किसके साथ कंपेयर करना है, यहाँ पे वॉल्यूम को मास के साथ कंपेयर करना है। वॉल्यूम क्या है,
22.4 लीटर वॉल्यूम में। वो कितने मास ऑक्यूपाई करता है और कितना मास एक्वायर करता है? मॉलिक्यूलर मास जो है वो उतना मास एक्वायर करता है। तो किसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कौन सा गैस दिया है? CO2 गैस है। तो मेरा पहला काम क्या होगा? फर्स्ट वर्क विल बी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 ध्यान रखना कैसे, और डिड यू गॉट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास? जब मुझे रिडक्शन मास और वॉल्यूम में पूछ रहा है तब मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ेगा। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना होगा CO2 का मॉलिक्यूलर मास? यहां पर कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32, सो 16 और 2 इंटू 16 मतलब 32 प्लस 12 44 ग्राम। नाउ इज इट क्लियर? सो 44 ग्राम ऑफ CO2 का ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी इतने वॉल्यूम का मास पूछा है तो हम ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते। कैसे कंपेयर करेंगे? 22.4 लीटर वॉल्यूम और 22.4 लीटर ऑफ CO2 का मास कितना होता है? जो मॉलिक्यूलर मास है वो ही होता है। मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पे? 44 ग्राम है। सो एक लीटर का वॉल्यूम कितना आएगा CO2 का? 44 अपॉन 22.4। समझ में आ गया? फिर कितने लीटर का क्वेश्चन में पूछा है? 44.8 लीटर का क्वेश्चन में पूछा है। सो 44.8 लीटर ऑफ CO2 का वॉल्यूम कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू 44.8 लीटर। समझ में आ गया? सो इट विल बी 2। क्लियर? सो योर आंसर विल बी 44 इनटू 2 मतलब 88 ग्राम। इज इट क्लियर टू ऑल? सो इस तरह से हम मास निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दिया है उसमें से हमें मास निकालना है, इसीलिए मुझे मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ा। क्लियर? सब लोग क्लियर हो गए? सब लोग क्लियर हो गए? इसको मैं और एक मेथड में भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करता हूं? जैसे कि पहले जो भी वॉल्यूम मुझे दिया है उसको मैं नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर सकता हूं। आफ्टर दैट वन मोल का इतना वॉल्यूम मॉलिक्यूलर मास जो होता है तो उस मोल का कितना होगा? लेट्स गो टू दैट मेथड ऑल्सो। जो भी तुम्हें कंफर्ट लगेगा इसको पहले लिख लो या फिर तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको लिख लेना और आगे जाना, ठीक है? सो इसको मैं दूसरे मेथड में भी सॉल्व कर सकता हूं। जैसे कि पहले जो भी वॉल्यूम दिया है उसको मैं मोल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्वेश्चन के हिसाब से मोल ऑफ CO2 जितना वॉल्यूम दिया होगा, वॉल्यूम गिवन कितना वॉल्यूम दिया है यहाँ पे? 44.8 लीटर दिया है, डिवाइडेड बाय उसका ये जो लीटर कितना ऑक्यूपाई करता है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम एक मोल कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो मैं लिख सकता हूं 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 22.4। सो इतना लीटर इज इक्वल टू कितना होगा? मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूं, जो भी वॉल्यूम दिया होगा डिवाइडेड बाय 22.4 तुम्हें कर देना है, तो उसमें से नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 तुम्हें मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना होगा? वॉल्यूम कितना दिया है? 44.8 दिया है, लेकिन एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो 2 मोल मिल जाएगा। सो अब मेरा आंसर इजी हो जाएगा। 1 मोल CO2 का मास कितना होता है? CO2 का मॉलिक्यूलर मास मैंने जो पहले कैलकुलेट किया था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना है? ये 44 है। सो 1 मोल ऑफ CO2 का मास, 1 मोल ऑफ CO2 का मास 44 ग्राम है। 2 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होगा? 2 मोल ऑफ CO2 का मास जो होगा 44 इंटू 2 इज इक्वल टू 88 ग्राम। समझ में आ गया? तो पहले मैंने वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट किया, फिर मोल से मैंने मास निकाला। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम दोस्तों में करोगे या फिर डायरेक्टली दोनों को कंपेयर करके कर सकते हो। मेरे ख्याल से डायरेक्टली दोनों को कंपेयर करके करना बहुत इजी आएगा। यहां पर वॉल्यूम दिया था, सो 22.4 लीटर का मास 44 ग्राम होगा क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 है। 1 लीटर का कितना होगा? 44.8 लीटर का कितना होगा? क्लियर? सब लोग क्लियर हो गए दोनों मेथड से? जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम उसको उस मेथड से कर सकते हो। फिर और एक क्वेश्चन क्या आया? 22,400 ml of CO2 gas। So, इस नंबर में क्या करना है? सिर्फ 22,400 ml ले लेना है। कौन सा गैस का दिया है उसने? क्लोरीन गैस का दिया है। तो क्लोरीन गैस का मास कितना आएगा? CL2 का मास जो होगा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CL2 कितना होगा? क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 क्लोरीन है मतलब 71 ग्राम है। सो ये मॉलिक्यूलर मास है। तो 22.4 लीटर अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ml पूछा है। सो योर आंसर विल बी 22.4
22,400 ml of CL2 has the mass 71 ग्राम. कितने ग्राम कितने दिया है उसने, वही 22.4 ml ही क्वेश्चन में दिया है. सो 22,400 ml अगर क्वेश्चन में दिया है मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वही उसका मास हो जाएगा. सो मेरा आंसर यही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरा ml देता तो एक ml में इतना आएगा, उस ml में कितना आता ये क्वेश्चन हो जाता. जैसे कि मान लो यहां पर आंसर दे देता 11.200 ml का कितना आएगा मास. तो इसमें क्या करते, इतने ml का 71 ग्राम है, एक ml ऑफ Cl2 का 11,200 ml CL2 का कितना होगा 71 upon 22,400 into 11,200, ये 2 हो गया. सो आंसर तुम्हारा 35.5 ml आ जाता. समझ में आ गया. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 22,400 ml का ही पूछा है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. समझ में आ गया, वेरी इजी. लास्ट नंबर 11.2 लीटर ऑफ विलियम गैस, उसका मास निकालना है. इस नंबर के साथ इस नंबर का एग्जैक्टली सेम होगा आंसर, मेरे ख्याल से तुम खुद कर सकते हो. इस नंबर को तुम सॉल्व करना और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना. और कोई भी स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा वो भी अपना डाउट मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देगा, मैं ताकि उसका सोल्यूशन वहां पे डाल दूंगा. ठीक है, लेकिन ये इजी है, इस नंबर के साथ एग्जैक्टली सेम होगा. सिर्फ तुम्हें हीलियम का मास जानना है, हीलियम का मास कितना है 4 है. तो आंसर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर का मास 4 है, 1 लीटर का कितना होगा 11.2 लीटर का कितना होगा. बहुत इजी नंबर है, मेरे ख्याल से सब लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो. क्लियर. नेक्स्ट नंबर में चलते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, मतलब यहां पर मॉलिक्यूल पूछा है, ये पूछा है क्या क्या दिया है, 22,400 ml मतलब वॉल्यूम दिया है. सो वॉल्यूम से मॉलिक्यूल का रिलेशन पूछा है. वॉल्यूम से मॉलिक्यूल का रिलेशन क्या है, 22.4 लीटर का 6.023 × 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, या फिर 22,400 ml का इतना मॉलिक्यूल होता है. क्वेश्चन में ml दिया है तो ml से ही रिलेशन लेना. कितने ml का दिया है क्वेश्चन में, 224 ml ऑफ एमोनिया गैस का कितना मॉलिक्यूल पूछा है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका, ml में ही रिलेशन लेंगे. 224 यहां पर मास कैलकुलेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मास का जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का पूछा है. सो 22,400 ml ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल है, कंडीशन क्या है हमारा टेक लाइन, 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल है. सो 1 ml ऑफ एमोनिया का कितना होगा, 6.023 × 10^23 upon 22,400. समझ में आ गया. लेकिन कितना ml का क्वेश्चन में पूछा है, 224 ml का क्वेश्चन में पूछा है. सो 224 ml ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू 6.023 × 10^23 upon 22,400 × 224. ये कैंसिल आउट कर देना, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा सिर्फ. सो 100 मतलब 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आंसर हो जाएगा ये 21 हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है. सो यहाँ पर 6.023 × 10^21 मॉलिक्यूल हो जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल. सो इतने ml का इतना मॉलिक्यूल, 1 ml का कितना है, और 224 ml का कितना आएगा. क्लियर. और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 67.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल है. तो यहां पर सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यहां पर 22.4 लीटर लेकर कंपेयर करना है. पहले क्वेश्चन में ml में था तो ml लेकर कंपेयर करोगे, और दूसरे क्वेश्चन में लीटर में दिया है तो लीटर लेकर कंपेयर करना है. सो 22.4 लीटर इक्वल इतना मॉलिक्यूल है, 1 लीटर में कितना होगा और 67.2 लीटर में कितना होगा. एंड दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू. सो यू विल सॉल्व दिस टू नंबर एंड यू विल गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू विल राइट अबाउट द फीडबैक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. मेरे ख्याल से मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि वो क्लास अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, एंड आई एक्सपेक्ट दैट एवरीबॉडी आर गेटिंग अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट अप टू प्लस टू लेवल ही क्यों, तुम इसको बीएससी में भी अप्लाई कर सकते हो, और इसका जरूरत बीएससी में भी है, एमएससी में भी है, जहां पर भी तुम केमिस्ट्री का वर्क होता है वहां पर मोल कॉन्सेप्ट जरूर आता है. तो इस वीडियो को बार बार देखना, हमने मोल कॉन्सेप्ट के मैंने 3 लेक्चर बनाया है. सो जब भी तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस वीक लगे सो मेरे चैनल में जाना,
और मोल कॉन्सेप्ट का एक प्रोफाइल में बना दूंगा या फिर मोल कॉन्सेप्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दूंगा जो कि एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, फिर भी मैं मोल कॉन्सेप्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में जाना और तीनों वीडियो लेक्चर को एक साथ ही देख लेना, ओके। और मेरे चैनल में जाने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और समझ में आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। सो टुडे वी हैव एंडेड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू द स्टूडेंट।